हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई चलिए ज्वाइन हो जाइए चलिए बच्चों ज्वाइन हो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इससे हम आज का अपना लेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ई गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर पाए चलिए जल्दी से चलिए बच्चों जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए चलिए बहुत ही बढ़िया फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे किया जाना चाहिए कैसे गेट के पेपर में किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही कैलकुलेटिव और इजी इजी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज जल्दी से ठीक है चलिए ज्वाइन हो जाइए चलिए तो शुरू करते हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री गेट 2021 का पेपर डिस्कशन करते हैं ठीक है बच्चों गेट 2021 का पेपर डिस्कशन करते हैं जिसमें मेनली मैं जो पार्ट डिस्कवर करने वाला हूँ जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है फिजिकल केमिस्ट्री इससे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस हो चुकी है ठीक है चलिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको देख सकते हैं उनको या कर ठीक चलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री गेट 2021 पेपर का डिस्कशन जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए बच्चों गुड इवनिंग बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं तो ये है बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इजी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है रिएक्शन का क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का इसके ऊपर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को बच्चों कई लोग कैलकुलेटर लेके लग गए होंगे कैलकुलेटर का यूज तो चाहिए ही था बच्चों लेकिन थोड़ा अगर कॉमन सेंस भी लगाया जाए तब भी इस क्वेश्चन को हम ईजिली कर सकते थे यस yes, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप इजिली कर सकते थे बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए अब कई बच्चों को लगेगा अरे जब कैलकुलेटर दिया रहता है तो इस्तेमाल क्यों ना करें तो बच्चों कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का फायदा तब होता है जनरली जब एन क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वहां पर आंसर आपसे या तो इंटीजर पूछता है या तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछता है लेकिन यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं थी कैलकुलेटर की बिना कैलकुलेटर के, के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बस कैसे ये आपको समझना है देखिए ध्यान से चलिए तो आप लोग भी कीजिए मैं भी करता हूं इस क्वेश्चन को चलिए सब मिलके करेंगे कैसे होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व बिना कैलकुलेटर के, के। चलिए तो देखते हैं चलिए आ जाइए तो आपको यहां पर बोला है ध्यान से सुनिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का निकालना रिएक्शन आपको दी है ठीक है और यहाँ बोला है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे क्लोजेस्ट टू किसके करीब आएगा आपका आंसर ये पूछा है तो इसमें आपको सबसे इजी तरीका क्या है बच्चों देखो डेल्टा दिया है डेल्टा जी नोट दिया है आर की वैल्यू दिया है और ये चार ऑप्शन दिए हैं चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन से ही करना है देखो ध्यान से अब देखो थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये इक्वेशन पता होती है डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू है ना बच्चों ये बातें आपको पता है और आपको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम कब आता है जब डेल्टा जी जीरो होता है यस yes. डेल्टा जी जीरो होता है डेल्टा जी नॉट नहीं ठीक इसको याद रखना डेल्टा जी अगर आपका जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम बच्चों आपको पता है डेल्टा जी आपका जीरो होता है इसका मतलब डेल्टा जी नॉट आपका माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाता है हाँ ना है ना बच्चों बस यही कैलकुलेशन करनी थी डेल्टा जी नोट भी दिया है आर भी दिया है टी भी दिया है के निकाल के के निकाल निकाल फेंक फेंक दोगे दोगे बिल्कुल निकाल के दोगे। देखो 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 आराम से डेल्टा जी जीनोड की वैल्यू माइनस में दी है यूनिट का ध्यान देना है देखना बच्चो। किलो जूल दिया है किलो जूल दिया है बिल्कुल किलो जूल दिया है इस पर गलती मत करना इसका मतलब इसको जूल में करोगे तो ये आपका माइनस वन जीरो फोर वन एट जीरो हो जाएगा जूल जूल बच्चों जूल यूनिट हो जाएगी जूल ठीक है ध्यान देना है यहाँ पर बस और यहाँ पर आर की वैल्यू रखनी है माइनस एट पॉइंट थ्री वन फोर ठीक है आपकी जूल पर कैलविन पर मोल जो भी है कन्वर्ट कर देना आपका काम हो जाएगा और यहां से बच्चों आपका एल एन के बन गया ठीक है बच्चों इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है बच्चों आपको इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो मैं अप्रोक्सीमेट बताता हूँ क्या आ सकता है देखो ये ना एट हो गया और ये आपका थ्री हंड्रेड हो गया एट इंटू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड के आसपास हो गया और ये अगर आप देखोगे अप्रोसीमेटली तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्लियर है इसका मतलब अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे बच्चों यहाँ पर छोटी मोटी जो मैं बता रहा हूँ तो आपको एल एन के एक बच्चों जो आपको देखने को मिलेगा वो फोर्टी टू के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट आया बच्चों ये कैलकुलेशन आप ऐसे ही निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है चलिए मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है चलिए चलिए मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है बिना कैलकुलेशन के करेंगे चलिए देखिए कैसे हो सकता है बिना कैलकुलेशन के देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही है बच्चों आपको है कमाल की चीज दिख रही होगी ध्यान से देखो यहाँ से ये यह माइनस साइन ये माइनस साइन कैंसिल ठीक है और यहाँ पर ये यह जो नंबर है वन जीरो फोर वन एट जीरो डिवाइड में होगा डिवाइड किया जाएगा एट से और टू नाइनटी एट से तो मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा बड़ा सा प्लस का नंबर आएगा छोटा सा भी आ सकता है अब जैसे ही मैं के इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो कैसे निकलेगा ई की पावर कोई पॉजिटिव नंबर बच्चों ई की पावर कोई पॉजिटिव नंबर और वो पॉजिटिव नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा मतलब टेन की पावर में कुछ आंसर आने वाला है टेन की पावर में कुछ आंसर आने वाला है बात समझ रहे हो कि नहीं ठीक है टेन की पावर में आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा है देखो टेन की पावर में आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है अब कई बच्चे कहेंगे माइनस में भी तो आ सकता है नहीं बच्चों टेन की पावर प्लस में आएगी यानी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐसा टेन की पावर 18 वाला बी ऑप्शन यानी आपका जो आंसर बच्चों करेक्ट होने वाला है वो बी होगा कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है कोई मनाही नहीं है आंसर वही आने वाला है e की पावर 42 करके देखोगे अप्रोक्सीमेट आपका 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर एट्टीन आपका आंसर आने वाला है तो तो ले ले में आपका इस तरीके से यहाँ पर निकलने वाला था कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको सिर्फ लॉजिक लगाने थे लॉजिक लगा के आप इजिली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को ठीक है बच्चों लॉजिक लगा के आप ऐसे क्वेश्चनों को ईजली कर सकते हैं चलिए बच्चों गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपको सिर्फ लॉजिक लगा के करना है कैलकुलेशन नहीं करने गए हैं हम वहां पेपर निकालने गए हैं बच्चों चलो अगला आ जाओ आ जाओ बच्चों ये भी आ गया बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे क्या बैठ के चलिए रीड करिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो रीड कर देते हैं हम आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ए जी प्लस आई एंस ए जी एनो थ्री की तरफ से मिल रहा है रिड्यूस टू टू मेटल एज द द कैथोड एंड कॉपर इज प्लस एट एनोड ठीक है चलिए करंट करेंट पॉइंट सेवन एमपीयर ठीक सेल, सेल में टेन मिनट के लिए जा रही है मास निकालना है ग्राम में सिल्वर डिपोजिटेड बस यही बता देते ना मास निकालना है बच्चों फेरेडे लॉ लगेगा कि नहीं फेरेडे लॉ लगेगा कि नहीं जैसे ही फेरेडे लॉ लगेगा बच्चों फेरेडे लॉ आपको पता है फेरेडे लॉ क्या होता है W इक्वल टू जेड आई ध्यान सुन लो बच्चों वेट जो भी निकालना होता है जेड इंटू आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो फेरेडे लो से ये आता है बिल्कुल जेड यहाँ इक्वेलेंट वेट है बस यही काम की चीज है जेड यहाँ पर आपका इक्वेलेंट वेट है इसको कैसे निकाला जाता है इसको समझ लो बच्चों इसको कैसे निकाला जाता है इसको समझ लो जेड जो आपका इक्विवेलेंट वेट है इसको कैसे निकालते हैं इसको समझ लो तो आप देखिए सबसे पहले ए जी प्लस के लिए बात करी जाए अगर ए जी प्लस के लिए बात करी जाए तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा बच्चों 107.9 ही आएगा तो इसके लिए आप निकाल सकते हो चलिए इसके लिए निकाल के दिखाते हैं तो वेट अगर मैं ए जी के लिए निकाल के दिखाऊं सिल्वर डिपोजिटेड तो जेड मेरा 107.9 करंट मेरा और टाइम मेरे को टेन मिनट बच्चों उसको सेकंड में कर लेना तो 60 9, 6, 5, 0, 0. तो डिवाइडेड बाय मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों मुझे सिर्फ यह देखना है कि पॉइंट फोर सिक्स के पास के पास या पॉइंट थ्री के पास मतलब पॉइंट टू के पास बस यही चेक करना है यही चेक करना है बच्चों तो इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना अप्रोक्सीमेटली ये जो आएगा ये निकल गया आपका पॉइंट फोर के पास आएगा ठीक है बच्चों पॉइंट फोर सिक्स नाइन के आसपास आएगा मतलब अपना दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया है अपने दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं अपने सिर्फ दो ही ऑप्शन लेफ्ट होते हैं कौन से देखिए अपना यह ऑप्शन तो कैंसिल हो गया यह भी कैंसिल हो गया बच्चों और अपना यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं समझ में आई बात बच्चों ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए हैं मतलब अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं ए जी प्लस के लिए तो बच्चों आपका पॉइंट फोर सिक्स नाइन आ गया मतलब ए और सी में से आपका कोई करेक्ट हो सकता है चलिए अब ए और सी में से करेक्ट हो सकता है तो ये देखते हैं किसके लिए अब जो कॉपर है उसके लिए क्या होगा कॉपर के लिए बच्चों सी यू टू प्लस अब इसके लिए इक्विवेलेंट वेट जो लगेगा बच्चों सी यू टू प्लस का देखिए सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव फाइव दिया लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाय टू किया जाएगा ठीक है बच्चों डिवाइडेड बाय टू किया जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है इसमें इसलिए इक्ट वेट जब निकालेंगे बच्चों इसके लिए 63.5 डिवाइडेड बाय टू रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा अब कई बच्चों ने वहाँ पे 63 रख दिया होगा खाली तो गलत हो गया होगा तो वही गलती सुधार लो सही हो जाएगा चलिए यहाँ पे रख लीजिए निकाल दीजिए सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर अब मैं निकालता हूँ कॉपर के लिए सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू सिक्सटी अपॉन जीरो पॉइंट के आसपास आएगा जीरो पॉइंट जीरो बच्चों ये ठीक है इसकी कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए क्या कैलकुलेशन आ रही है जल्दी बताइए कैलकुलेशन करके चलिए इसकी कैलकुलेशन करके बताइए तो अप्रोक्सीमेटली इसकी कैलकुलेशन करके आएगी बच्चों निकालो जरा इसकी कैलकुलेशन तो सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन इंटू सिक्स और ये बच्चों आपका नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो और ये आपका डिवाइडेड बाय टू आपकी कैलकुलेशन बच्चों बिल्कुल सही आ रही है पॉइंट आपका आंसर आएगा क्लियर है ठीक पॉइंट वन थ्री एट के आसपास आपका आंसर आएगा मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा मतलब आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट आएगा कैलकुलेशन सही से कर लेना इजी क्वेश्चन था बस आपको चीजों को सही से समझ के करना था बस ठीक है बच्चों चले आगे बिल्कुल बच्चों ए राइट आंसर है बिल्कुल सही बच्चों बहुत अच्छे ठीक है चलिए जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए तभी मजा आएगा पढ़ाने में और भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने में चलिए चलिए बच्चों आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है जल्दी कीजिए इसको देखिए क्वेश्चन बड़ा कमाल का है मजेदार भी है बस आपको लॉजिक सही पकड़ना है इसमें कितना सीधा और छोटा क्वेश्चन पूछ लिया बताओ गेट में वो भी एम एस में टाइप में देख रहे हो बच्चों एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पूछ लिया एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के कुछ बातें बताई जाती है सीधी सीधी सी बातें होती है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए सिंगल वैल्यू होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए डिफ्रेंशियबल होना चाहिए ची, काफी चीजें बताते हैं यहां पर जो ऑप्शन दिए उनसे देखेंगे कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है डी ऑप्शन दिया है देखिए लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना एम एस क्यू है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं बच्चों एक से ज्यादा एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं तो ऑड इवन होना जरूरी नहीं है ऑड हो भी सकता है इवन नहीं भी हो सकता है ये जरूरी नहीं है हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है लेकिन सिंगल वैल्यू होना बच्चों सिंगल वैल्यू सिंगल रहना पसंद करता है ये सिंगल रहना बच्चों ये पसंद करता है ठीक है चलो ये कंटिन्यूस बच्चों ये कंटिन्यूस भी रहना पसंद करता है फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए एक्सेप्टेबल वे फंक्शन के लिए सिंगल भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए इवन और ऑड बच्चों परमानेंट कंडीशन नहीं है इवन हो भी सकता है फंक्शन नहीं भी हो सकता है और ऑड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए यहां पर ये कंडीशन मस्ट नहीं है ध्यान सुनो बच्चों मस्ट नहीं है ये वर्ड जो यूज किया ना मस्ट नहीं है ये कंडीशन मस्ट नहीं है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है टेन कैसे लिया सॉरी बच्चों करंट पॉइंट सेवन एम्पियर है ठीक है करंट को सही कर लेना टाइम टेन मिनट है बच्चों टाइम टेन मिनट है टाइम टेन मिनट है करंट पॉइंट सेवन है बच्चों क्लियर है करंट वही है बच्चों जो था पॉइंट सेवन ठीक अब क्लियर है करंट वही है बच्चों टाइम लिखा था वो चलिए जी बिल्कुल गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है बच्चों बिल्कुल होता है ठीक है और उस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है तो थोड़ा दिक्कतें आती है इसलिए गेट के एग्जाम को कभी देने जाना तो कैलकुलेटर को पहले से ही थोड़ा बहुत सीख के जाना चला के जाना ठीक है नहीं तो एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर चलाने में बहुत दिक्कत आएगी जिसकी वजह से कई छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्ज़ाम में जब जब दुख होता है बच्चों चलो चलिए बच्चों हो गया ये आ जाइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बच्चों इसको कैसे किया जाए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे बहुत ईजी है आपसे बोला है सी टू वी पॉइंट ग्रुप के लिए इन में से कौन सी वाली रिप्रेजेंटेशन इनरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है c2v पॉइंट ग्रुप के लिए तो बहुत ही इजी है आप ऐसे कर सकते हैं पहले जिस ऑर्डर में दिया है बच्चों जिस ऑर्डर में दिया है वो ऑर्डर लिख लो e c2 sigma v और sigma डश v क्लियर है और इसके बाद बच्चों कैरेक्टर टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे यहां से देखो e वाले सारे टर्म 1 1 1 1 ठीक है बच्चों ठीक इस तरीके से वन 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 और इसके बाद ये वाली जो रो है ये भी वन 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 अब डायगोनल पे भी बच्चों वन वन लगा दो डायगोनल पर भी बच्चों वन वन लगा दो ठीक है one, one, one. तो डायगोनल पे भी one, one, one लगा दो और बाकी जो बच बच्च गए बच्चों उनको माइनस वन लगा दो बाकी जो बच गए बच्चों उन पे माइनस वन लगा दो इसका मतलब यहाँ माइनस वन यहां माइनस वन यहाँ माइनस वन यहां माइनस वन यहाँ माइनस वन यहाँ माइनस वन इस तरीके से आपको पास चार ऑप्शन मिलेंगे बच्चों चार ऑप्शन पॉसिबल हो सकते थे अब देखो कौन कौन से पॉसिबल होंगे इस चीज को देखो तो यानी आपका वन 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 पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है क्लियर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है अब अगला देखते हैं क्या माइनस वन से कोई शुरू हो सकता है नहीं शुरू हो सकता है बच्चों माइनस वन से देखो कोई शुरू ही नहीं हो सकता वन से शुरू होगा यानी बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है इसको तो काट दो इसको तो काट दो क्लियर बच्चों इसको तो काट दो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा सी ऑप्शन हो सकता है क्या वन माइनस वन वन माइनस वन नहीं 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 लास्ट में देखो बच्चों आपको क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या देखो वन माइनस वन वन माइनस वन यस मिल रहा है बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ये वाला भी आपका पॉसिबल हो सकता है यानी सी आपका करेक्ट है लेकिन डी आपका करेक्ट नहीं होगा डी करेक्ट क्यों नहीं हो पाया क्योंकि लगातार तीन माइनस वन आपको नहीं मिलेंगे देख लेना बच्चों लगातार तीन माइनस वन आपको नहीं मिलने वाले हैं देखिए ये भी आपको तीन लगातार माइनस वन नहीं मिलेंगे हर एक लाइन में दो ही माइनस वन आपको मिलेंगे जब दो ही माइनस वन हर एक लाइन में है तो तीन माइनस वन आपको कहां से मिलेंगे बच्चों नहीं मिलेंगे मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका कट गया यानी आपके जो करेक्ट आंसर है बच्चों ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके करेक्ट है क्लियर बच्चों ये थे छोटे-छोटे एमसीक्यू -छोटे टाइप के क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सही बिल्कुल चलिए चलिए बच्चों ए और सी दिया हुआ है किसी ने आंसर बहुत सही दिया है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं चलिए बच्चों इसको लगाइए बहुत ही छोटा और अच्छा क्वेश्चन था एमएसक्यू है बच्चों ध्यान दे के करना है एमएसक्यू है क्वेश्चन चलिए मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये कैसे किया जाएगा इसको बहुत सिंपल है सरल है समझना है बस देखो बच्चो सिर्फ समझना है क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है देखो ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है बताने के, H2O के, normal mode. Normal mode अगर इसको देखोगे फर्स्ट मोड दिख रहा है आपको ऐसा दिखाई दिया है ऐसा मतलब ये एच इधर जा रहा है ये एच इधर जा रहा है ये ओ ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है बच्चों कैसी स्ट्रेचिंग हो रही है हाइड्रोजन ऐसे स्ट्रेच हो रहा है और ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है मतलब और ये सारी स्ट्रेचिंग एक जैसी है सिमेट्रिक नेचर में है इसका मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है बच्चों ये ठीक है बच्चों सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ये ठीक बच्चों सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ये इसका मतलब ये वाला तो नॉर्मल मोड होगा बिल्कुल होगा इसको कोई नहीं रोक सकता कोई मना नहीं कर सकता नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो रही है नॉर्मल मोड है अब ये वाला देखेंगे बच्चों इसमें आपको ध्यान से देखिए क्या लग रहा है दो हाइड्रोजन ऐसे देखिए ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये बैंड हो रहा है कि नहीं ऐसे बैंड हो रहा है कि नहीं मतलब बैंडिंग हो रही है इसमें क्या है बच्चों बैंडिंग हो रही है ध्यान से देखो तो इस वाले में जो हाइड्रोजन है ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बैंड हो रहे हैं और ये ऑक्सीजन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बच्चों ये वाला जो है ये बैंडिंग है ये क्या है बच्चों ये बैंडिंग वाला है ये भी एक नॉर्मल मोड है बिल्कुल वाटर का नॉर्मल मोड है बिल्कुल सही है और लास्ट वाला जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों ये आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है कैसी है एसिमेट्रिक इसमें अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो एक हाइड्रोजन देखो यहाँ बना के दिखाता हूं यहां बना के दिखाते हैं देखो एक हाइड्रोजन जो है आपका इधर स्ट्रेच कर रहा है और एक हाइड्रोजन आपका इधर स्ट्रेच कर रहा है और ऑक्सीजन आपका इधर स्ट्रेच कर रहा है इसका मतलब ये आपका ए सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग है बच्चों कैसी ए सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग है क्लियर है ठीक ये आपकी ए सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग है यहां पर तीनों जो है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही पॉसिबल हैं पर आपका लास्ट वाला ऑप्शन बच्चों पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें जनरली देखो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन भी ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन भी ऊपर जा रहा है हाइड्रोजन भी ऊपर जा रहा है ऐसा जनरली नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में नहीं देखा जाता है क्लियर है बच्चों तो यहाँ आपके सिर्फ तीन ही ऑप्शन करेक्ट है ए बी एंड सी एम एस क्यू में बच्चों अगर एक भी ऑप्शन आप छोड़ दोगे नंबर पूरे कट जाएंगे ए बी सी बच्चों यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है चले बच्चों आगे ठीक है बच्चों सेकंड गेट क्वेश्चन ओके चलिए चलिए बच्चों तो इस तरीके से आपके पांच क्वेश्चन जो गेट में आए थे ज्यादा हार्ड नहीं थे इजी थे सिंपलेस्ट थे बस आपको सही तरीके से चीजों को करना था बच्चों सही तरीके से आपको चीजों को करना था आपके क्वेश्चन हो जाते इतना हार्ड नहीं था इजी पेपर था गेट का ठीक टू का चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों चलिए बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाइए तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी बच्चों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन बहुत सिंपल है गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन सिक्स्थ पे आ गए हम लोग ठीक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे अप्रॉक्स ट्वेंटी वन क्वेश्चन शायद गेट में पूछे गए थे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में फिजिकल केमिस्ट्री से जो कि बहुत कम नहीं होते बहुत बड़ा वेटेज है फिजिकल केमिस्ट्री का तो देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों ये भी एन एस क्यू है चार ऑप्शन दिए हैं क्या क्या बोला है फेज डायग्राम सी टू का आपको बना कर दिया है ओके okay, ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सीओ टू के बारे में तो बहुत ही बढ़िया बात है कोई नहीं देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है बिलो टी सी देखो बिलोटीसी बिलो कह रहा है बिलो टीसी इट डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा लिक्विड स्टेट में कौन सीओ टू के बारे में चलो टी सी कहा है बच्चो ओहो यहाँ पर टी सी है बच्चों देखो टेम्परेचर वाला जो प्लॉट है बच्चों वो यहां बनाया गया है एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर लिया गया है मैं लिख देता हूँ और वाई एक्सिस पे बच्चों प्रेशर लिया गया है ठीक है याद रखना इस बात को चलिए अब देख लीजिए कमाल की बात टी सी ये रहा बच्चों टी सी ये रहा अब कह रहा है बिलो टी सी बिलो टी सी का मतलब होता है बच्चों बिलो टी सी का मतलब यहाँ से जो टेम्परेचर है यहाँ से जो टेम्परेचर है वो इस तरफ जाएगा और जब बिलो टी सी जा रहे हो तो आप देखो इधर वाले एरिया में आ रहे हो इधर वाले एरिया में आ रहे हो मतलब यहाँ पर सही बोला है उसने जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला है देखो ध्यान से बिलो टी अगर मैं जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को सॉलिड और गैसियस स्टेट ही मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और गैसियस स्टेट ही मिल सकता है यानी लिक्विड स्टेट आपको नहीं मिलने वाला है इसका मतलब उसने स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली है कि टीसी के नीचे जाएंगे यानी बिलो जाएंगे तो डिस नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है क्लियर है बच्चों एव टीसी अब बात कह रहा है टीसी से ऊपर जाओगे, जाओगे तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल करेगा देखो टीसी से ऊपर जाओ जरा टीसी से ऊपर देखो ये रहा आपका टीसी है कि नहीं टी सी से आगे जाओगे तो यहाँ देखो गैस है और हाई प्रेशर पे देखोगे तो लिक्विड भी आपको मिल रहा है मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत दी हुई है क्लियर है सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत दी हुई है ठीक

पे हाँ पे सॉलिड भी मिल रहा है गैस भी मिल रहा है और लिक्विड भी मिल रहा है।, है मतलब ये ऑप्शन सही है क्लियर मतलब है, है? सॉलिड भी, भी और गैस भी ठीक है अब देखते हैं एव टीवन ये काम की चीज है बच्चो एवो टीवन टीवन क्या कह रहा है सही कही है या गलत कही है देखो ध्यान से देखते हैं इससे बच्चों ये चीज गलत कही है देखो अगर एव एफ टी वन ये है, आपका टी वन है ये है, आपका टी वन है यहाँ से अगर थोड़ा आगे चला जाऊं तो भी मेरे को सॉलिड स्टेट मिलेगा देखो सॉलिड स्टेट यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल मिलेगा यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है टी वन से टी सी के बीच में मेरे को सॉलिड स्टेट मिलेगा इसका मतलब ये भी बात गलत बोली है उसने क्लियर है कि नहीं इसने मतलब ये बात भी उसने गलत बोली है इसका मतलब बच्चों अपना डी ऑप्शन भी गलत है इसका मतलब बच्चों अपना डी ऑप्शन भी गलत है अगर डी ऑप्शन भी गलत है तो उसको काट दो जी ने ए और सी ऑप्शन काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है ए और सी तो क्वेश्चन इजी ही था बच्चों बस आपको ध्यान से पढ़ के करना था ए और सी आपका करेक्ट आंसर है चलिए चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों क्वेश्चन सब इजी ही होते हैं बच्चों बस तो ध्यान से आराम से करना होता है चलिए 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 बच्चों इसको लगाइए चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी बिल्कुल आराम से करना एनआईटी टाइप क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे एनएटी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे बच्चों एनएटी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे तो सारे एनएटी क्वेश्चन भी एक एक करके देख लेंगे चलिए तो देखते हैं इसको रीड करते हैं जरा एक रिवर्सिबल हीट इंजन है एब्जॉर्ब कर रहा है ट्वेंटी जूल ऑफ हीट ओके फ्रॉम सोर्स ऑफ एट हंड्रेड कैलविन ओके ओके ठीक है और फोर हंड्रेड कैलविन पे ठीक इस तरीके से द हीट इंजन हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी बहुत ही सिंपल है बच्चों एफिशिएंसी निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला यही बताया गया था आपको अगर याद है तो एफिशिएंसी का वन माइनस टी वन अपॉन टी टू मैं तो हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ बच्चों इजी रहता है और जनरली एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी की जनरली इसीलिए आपका टी टू जो है बच्चों बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू टी वन ठीक है तो टी वन जनरली आपका छोटा रहेगा और टी टू जनरली आपका बड़ा रहता है तो बस वहीं से दो टेम्परेचर उठा के रख दो और एफिशियंसी निकाल लो पॉइंट में ठीक है इसी तरीका है याद रखने का तो देखते हैं चलिए वन माइनस टी वन टेम्परेचर आपका क्या रखे फोर हंड्रेड रखते हैं और टी टू आपका फाइव हंड्रेड रखेंगे तो यहां से बच्चों जो आपकी एफिशिएंसी निकल के आई है वो क्या आई ही है हीट इंजन की यहां से देख लीजिए क्या निकल के आ रही है टी वन अपॉइंट टी टू करके आप जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ये आपका हो जाएगा पॉइंट एट वन माइनस पॉइंट एट और ये हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट टू और बच्चों हमसे परसेंटेज पूछा है और बच्चों हमसे परसेंटेज परसेंटेज पूछा है, तो के लिए इसमें इन कर यहां सिर्फ ट्वेंटी लिखना था तभी आपको आंसर करेक्ट माना जाएगा किसी ने परसेंट परसेंट का साइन लगाने की कोशिश की होगी तो उसका गलत हो जाएगा चलिए बच्चों क्वेश्चन था देख सकते हैं आप कि अभी कितना ही टाइम हुआ और हमने सेवन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यानी क्वेश्चन इजी थे आपको बस आराम से एकदम आराम से बैठ के क्वेश्चन को करना था बच्चों ठीक है सारे क्वेश्चन हो जाते चलिए आ जाइए बच्चों चलिए बच्चों इसको लगाइए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है चलिए दिमाग लगाइए इसमें बहुत अच्छा बच्चों बहुत अच्छे शेयर कर दो लाइक कर दो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चलिए फैला दीजिए हर जगह चलिए हुआ आपसे आप, आप कहोगे इतने कम टाइम में कैसे करें बिल्कुल इतने ही कम टाइम में होते हैं क्वेश्चंस बच्चों सारे थोड़ा दिमाग लगाओ वो सब ऐसे ही होते हैं देखो देखो ध्यान से चेंज इन ऑफ द रिएक्शन आपको दिया है किलो जूल ठीक है ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए आपको यहां पर दिया है चेंज इन एंथेल्पी दिया हुआ है ध्यान से देखिए बच्चों चेंज इन एंथेल्पी दिया है रिएक्शन के लिए और आपसे बोला है माइनस टू फोर्टी थ्री किलोजूल दिया है तो रिएक्शन लिख लेते हैं जरा रिएक्शन बच्चों टू फॉस्फोरस और थ्री ब्रोमीन दिया है और इस तरीके से आपका टू पीबीआर थ्री दिया है बच्चों इस तरीके से आपको डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए दिया है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया है बच्चों ध्यान से देखना बच्चों कमाल की चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बातें किलो जूल में दिया है माइनस टू फोर थ्री जीरो जीरो ठीक है बच्चों किलो जूल में दिया है तो क्या रखो किलो जूल में ही रखो कोई दिक्कत ही नहीं है किलो जूल ही रखो क्या ही मना करना है किसी को लो किलो जूल ही रखेंगे क्यों रखा किलो जूल क्योंकि आंसर भी किलो जूल में ही पूछ रहा है देख लो आंसर भी बच्चों किलो जूल में पूछ रहा है तो मैं क्यों किलो जूल को जूल में लाऊ कोई जरूरत ही नहीं है जब किलो जूल से काम चल सकता है तो चल सकता है चलिए देखिए जरा देखिए जरा इस रिएक्शन में बच्चों कितने मोल फोस लग रहे हैं इस रिएक्शन में बच्चों आपके दो मोल फोस्फोरस लग रहे हैं तब डेल्टा एच आपका रिएक्शन के लिए, लिए माइनस टू फोर्टीस का वेट क्या होता है बच्चों दो मोल फोस्फोरस का वेट जल्दी बताओ मोल और मास थर्टी वन तो दो मोल फोस्फोरस का वेट कितना आएगा जल्दी निकालो दो मोल फोस्फोरस का वेट होता है बच्चों टू इंटू थर्टी वन मतलब जल्दी बता दो बच्चों ग्राम के लिए इतनी एनर्जी निकल रही है ना जल्दी बोल दो यानी यानी यहाँ से आ गया है ग्राम के लिए टू -थ्री किलो जूल है क्लियर है बच्चों तो यानी हमसे पूछा कितने के लिए जा रहा है थ्री पॉइंट वन ग्राम के लिए पूछा जा रहा है निकल जाएगा कि नहीं चलिए बताओ बच्चों निकल जाएगा कि नहीं तो निकाल देंगे देखो थ्री पॉइंट वन ग्राम के लिए पूछा गया है निकाल देंगे जल्दी से देखो तो माइनस टू फोर्टी थ्री अपॉन 62 3.1 ये कैंसिल हो गया बच्चों कैंसिल हो गया ना बच्चों टू टाइम कैंसिल हो गया ना जल्दी बता दो तो ये यहां पे टू टाइम कैंसिल हो गया और यहां पे 0.1 बच गया इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको जल्दी से कैलकुलेट करो इसको चलिए कैलकुलेट कीजिए तो कैलकुलेट करके आपका आंसर 1 2 और 15 ऐसे करके आएगा माइनस वन टू पॉइंट वन फाइव आपका आंसर आएगा चलिए बच्चो फाइनल बोल दो बच्चों जल्दी से बोल दो फाइनल आंसर आपका माइनस वन टू पॉइंट किलो जूल आएगा पर मोल भी मत लगाना किलो जूल आएगा सिर्फ सिर्फ किलो जूल आएगा बच्चों ठीक है चलिए जल्दी बता दीजिए जल्दी बता दीजिए यही आंसर आ रहा है सबका माइनस ट्वेल्व पॉइंट वन फाइव आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन चेक कर लेना है एक बार बच्चों सब गुड इवनिंग मोहित जी गुड इवनिंग चलिए बच्चों तो आपका आंसर इस तरीके से ही हो, हो जाएगा क्लियर है सिंपल क्वेश्चन था आपको सिर्फ दिमाग लगा के ध्यान से करना था चले तो आठवां क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा ठीक चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जल्दी से इसको कीजिए चलिए जल्दी से अपना आंसर निकाल दीजिए सरल क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है चलिए लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए बच्चों चलिए लगा, बच्चो। लगा दीजिए दिमाग बिल्कुल सरल क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है चलिए चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा क्वेश्चन सिंपल है इजी है थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा ठीक है देखो क्या है एक फाइव वोल्ट बैटरी है डिलीवर आ स्टडी करंट ऑफ वन पॉइंट फाइव एम पी कितना करंट दे रहा है बच्चों फाइव एमपीयर दो तो घंटे के लिए टोटल चार्ज पास्ट थ्रो द करंट इज कितने आएगा टोटल टोटल चार्ज चार्ज तो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ध्यान से देखो चार्ज कैसे लिखा जाता है चार्ज लिखा जाता ठीक तो तो चार्ज पूछ रहा है बच्चों आई और टी आपको दिया है तो 1.5 फाइव टाइम बच्चों दो घंटे दिया है ये जो तो दो घंटे दिया है ना बच्चों दो घंटे इसको आपको सेकंड में करना पड़ेगा इसको आपको सेकंड में करना पड़ेगा तो तभी ये यूनिट्स कैंसिल होकर कुलम में आएंगी नहीं तो नहीं आएंगी ठीक है तो इसको आपको सेकंड में करना पड़ेगा यानी टू ठीक बच्चों टू टू आवर्स को सिक्सटी से मल्टीप्लाई यानी सिक्सटी मिनट और हर एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड ये आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करें कैलकुलेटर से नहीं नहीं बच्चों ऐसे हो जाएगा देखो कैसे होने वाली है कैलकुलेशन देखो ये हो गया आपका थ्री और ये हो गया बच्चों आपका थर्टी सिक्स हंड्रेड और इसकी कैलकुलेशन वन जीरो बता दो कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार वन पॉइंट फाइव की टू से मल्टीप्लाई करोगे थ्री हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी आपका थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड हो जाएगा वन जीरो जीरो आपका आंसर आ जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए समझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एट्थ नाइन्थ क्लास में पूछे जाते थे एकदम वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने बस ध्यान से करना था यूनिट का थोड़ा ध्यान देना था वन जीरो एट जीरो जीरो कोलम्ब आपका आंसर आएगा चले आगे नेक्स्ट देखे चलिए तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन थे ये बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है चलिए ये अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है बच्चों ठीक है बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहली बार पूछा गया गेट में ठीक तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है और इसकी ट्रिक भी होती है बच्चों लेकिन ट्रिक तो बाद में खैर देखेंगे लेकिन अभी चीजों को समझेंगे ठीक है चीजों को अभी समझेंगे पहले बाद में ट्रिक देख लेंगे देखिए आपका कंप्लीटली है यानी आइडियल सोल्यूशन होते हैं वैसे भी जनरली है लिखा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं आइडियल सोलूशन की तरफ करते हैं ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर जो है बच्चों का दिया हुआ है मतलब ये जो वेपर प्रेशर दिए बच्चों ये प्योर वेपर प्रेशर दिए हैं ठीक है बच्चों ये प्योर वेपर प्रेशर दिए हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नॉट आपका हैगजेन और हेप्टेन यहाँ सुन लेते हैं बच्चों यहाँ पर मैं हेगजेन को ए मान रहा हूँ ठीक है आप किसी को भी ए भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हेप्टेन को मैं बी मान रहा हूं ठीक है ताकि मेरे को या आपको दिक्कत ना आए ठीक तो हेक्सेन को मैं ए मान रहा हूँ हेप्टेन को बी मानते हैं अब शुरू करते हैं यानी हेक्सेन का प्योर वेपर प्रेशर दिया है आपको जीरो पॉइंट वन नाइन एट एटीएम ठीक है बच्चों और इसी तरीके से प्योर वेपर प्रेशर आपको बी का भी दिया हुआ है पी बी भी दिया है आपको ATM. इस तरीके से आपको दोनों वेपर प्रेशर दिए है मोल हेक्सेन का और हेप्टेन का वेपर फेज में निकालना है सॉल्यूशन जब चार मोलर हेक्सेन और छह मोलर हेप्टेन बोला गया है तो ध्यान सुन लो बच्चो जब आपको ये सब बोला गया है तब आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे तो सबसे इजी तरीका है बच्चों सुन लो ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या होता है समझ लो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत भर भर के है कॉन्सेप्ट समझ लो कैलकुलेशन तो हो ही जाएंगे देखो कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए ये अपने पास एक बीकर है इसके अंदर ए सोल्यूशन है और बी भी आपके पास दो लिक्विड है दो तरह के लिक्विड है ध्यान सुनना बच्चों दो तरह के लिक्विड हैं ठीक तो इसके अंदर अगर लिक्विड के अंदर अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ए एक्स से डिनोट करते हैं जनरली हम मोल फ्रैक्शन बी का बात करें तो एक्स बी से डिनोट करते हैं लेकिन इनके कुछ वेपर कंपोनेंट भी ऊपर रहते हैं अगर ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं तो ठीक है तो ऊपर तो, तो भी इनकी कुछ कंपोजिशन होगी तो उनको जो वेपर फेज होता है उनको वाई ए और वाई बी से डिनोट किया जाएगा समझ रहे बच्चों तो, तो, तो हमें ये वाई ए और वाई बी निकालना है इसके लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ दो लॉ लगते हैं पर हेनरी लॉ लॉ और रोल्स दोनों लगभग एक जैसे ही है बस समझने की बात है देखिए तो, तो वेपर फेज में अगर बात करें हम वाई ए निकालने की ठीक है बच्चों वेपर फेज में वाई ए निकालने की बात करें तो कैसे निकाला जा सकता है सुनना बच्चों इस बात को ध्यान से वाई ए आप कैसे निकाल सकते हैं तो वाई ए जनरली निकलता है बच्चों ध्यान सुनना पी ए अपॉन पी टोटल ठीक है पी ए अपॉन पी टोटल यानी वेपर फेज में प्रेशर कितना लगा रहा है ए कंपोनेंट वेपर फेज में प्रेशर जो है ए वाला कितना कंपोनेंट प्रेशर लगा रहा है वो अपॉन टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर का इस तरीके से यहां रहा है अब ये पी कैसे निकाले बच्चों ये पी निकालते हैं रोल स्लो लॉ की हेल्प से तो वहां उन्होंने बताया था कि जो आपका ऊपर का ये जो वेपर प्रेशर है ये लिक्विड कंपोनेंट से रिलेट करता है जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा उसी हिसाब से ऊपर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा इसका मतलब ये आप निकाल इंटू पी नॉट ए करके अपॉन पी टी बात क्लियर है बच्चों इस तरीके से वाई ए निकाल सकते हो इसी तरीके से वाई बी भी, भी निकाल सकते हो वाई बी भी, भी ऐसे ही निकलेगा इसका मतलब यहां लिख देता हूं यहां लिख देता हूं वाई बी भी आपका एक्स बी इंटू टोटल निकलने वाला है क्लियर है क्लियर बच्चों अब देखो बच्चों यहाँ पे जो बच्चे गलतियां करके आते हैं एग्जाम में मैं बता देता हूँ क्या करते हैं वो सोचते हैं प्लस वाई भी आपका वन होगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका लिक्विड कंपोजिशन का मोल फ्रैक्शन ए का सम कर दू वेपर फेस के कंपोनेंट बी के साथ तो वन आ जाए ऐसा कभी नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं जो कई लोग नहीं बताते हैं कि वेपर फेज के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो वन आएगा लिक्विड के फेज के कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो वन आएगा इसका मतलब वाई ए प्लस वाई भी वन हो सकता है एक्स ए प्लस एक्स भी वन हो सकता है लेकिन कभी ये मत कर देना बच्चों की एक्स ए प्लस वाई भी वन कर दिया ना ये कभी मत करना बच्चों ये या भी ये भी मत कर देना वाई ए प्लस एक्स भी वन हो गया ना ये गलती मत करना बाकी क्वेश्चन सही हो जाएगा ठीक है बच्चों चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अब देखिए क्वेश्चन को अब मैंने ये सारे लॉजिक बता दिए हैं तो वाई अपॉन वाई बी लगाइए धड़ाक से वाई ए अपॉन वाई बी लगाइए धड़ाक से ठीक है और जैसे ही धड़ाक से लगाओगे एक्स ए अपॉन पी नोड ए और एक्स बी अपॉन पी नोड बी क्लियर है बच्चों जल्दी बता दो तो यहां से वाई ए और वाई बी में एक रिलेशन आने वाला है एक्स ए और पी नोड एक्स बी और पी नोड बी की वैल्यू रख दो अब बच्चे x एक्स तो दिया नहीं है एक्स बी भी, भी नहीं दिया है अरे बच्चों दिया है देखो ध्यान से, आपका मोलर है और बी सोल्यूशन आपका मोलर है, बताते हैं देखो कैसे होगा बच्चों फोर मोलर बी आपका दिया है सिक्स मोलर है ना बच्चों मोलैरिटी जो होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल से रिलेट करती है है ना मतलब नंबर ऑफ मोल्स ए के मैं फोर मान लेता हूँ ठीक है नंबर ऑफ मोल्स बी के मैं क्या मान लेता हूँ सिक्स मान लेता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ए का क्या हो जाएगा फोर बाय हो जाएगा टोटल मोल्स टेन हो गए इसी तरह के मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकाल लूँ बच्चों तो अभी क्या हो जाएगा सिक्स बाय हो जाएगा इनका रेशियो निकाल ले एक्स एक्स बी का रेशियो निकाल ले बच्चों फोर बाय सिक्स यानी टू बाई थ्री हो गया कि नहीं निकल गया रेशियो अरे वही तो आया जो मोलैरिटी का रेशियो आया वही वही रेशियो अपॉन का आ गया क्लियर है तो मैं आपको अपने टू थ्री। पी ए पी उसके लिए मैं को डेटा देखना पड़ेगा चलिए डेटा देखते हैं पी अपॉन ए क्या दिया है बच्चो पॉइंट वन नाइन एट और पी नोट बी पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट वन नाइन एट अपॉन तो ये हमें दिया है बच्चों इस डेटा को कैलकुलेट करना है आपको तो ईजी है कैलकुलेशन सही से करना है बस देखो देखो ध्यान से इन टू हंड्रेड यहाँ लगाओ ठीक इन टू थाउजेंड यहाँ लगाओ जीरो 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 कैंसिल अब देखो बच्चों ध्यान से सिक्स थ्री 18 एटीन और सिक्स थ्री 18 एटीन यानी इस तरीके से थर्टी थ्री और ये हो गया थ्री पॉइंट थ्री यानी वाई ए इज टू टू पॉइंट टू ठीक बच्चों वाई बी हो गया आपका क्लियर है जल्दी बता दो बच्चों से आपका वन होता है और वाई ए आपको दे ही दिया है टू पॉइंट टू वाई बी टू पॉइंट टू प्लस वन वाई बी इज इक्वल टू वन वाई बी बच्चों यहां से आपका निकल जाएगा वन अपॉन थ्री पॉइंट टू तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों जल्दी बताओ वन पॉइंट थ्री पॉइंट की वैल्यू क्या आने वाली है चलिए कैलकुलेट कीजिए वन पॉइंट थ्री पॉइंट टू की वैल्यू क्या आएगी 312 के आसपास आ जाएगी जल्दी बताइए ठीक है बच्चों ये वैल्यू आपकी पॉइंट थ्री के आसपास आ जाएगी पॉइंट थ्री वन टू के आसपास आ जाएगी हाँ है ना कैलकुलेशन कर लेना बच्चों जब वाई भी आ गया तो वाई ए भी आ जाएगा वन में से माइनस कर दो बस यानी वन में से माइनस कर दोगे जीरो पॉइंट थ्री वन टू वाई ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी जल्दी बताओ बच्चों वाई ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी क्या आएगी एट एट सिक्स आएगी करीब ऐसे कुछ पॉइंट में ठीक है बच्चों पॉइंट सिक्स एट एट आएगी क्लियर है चलिए बता दीजिए बच्चों क्लियर है चलिए अब देख लेते हैं आंसर देख लेते हैं तो आंसर आ गया बच्चों पॉइंट सिक्स एट एट एंड पॉइंट थ्री वन टू आपका ए ऑप्शन करेक्ट है आपका बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्लियर है